अभिषेक के पिता ने दिया हेटर्स को करारा जवाब। अभिषेक पर इल्जाम लगाने वालों की लगाई विनय अंकल ने क्लास। बिल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अभिषेक मल्हान को बिग बॉस के ओटीटी के सीजन 2 में देखा गया था। इस शो से अभिषेक मल्हान को भारी पॉपुलैरिटी मिली थी। शो में अभिषेक मल्हान एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनकर उभरे थे। जहां अभिषेक की इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने लोग उन्हें पसंद करते हैं, पर वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते और बार बार उन्हें हेट देते रहते हैं। अब इसी पर अभिषेक के पिता यानी कि विनय अंकल ने हेटर्स को फटकार लगाई है। दरअसल हाल ही में एक व्लॉग शेयर किया जिसमें वो कहते नजर आए कि 80% जो लोग हैं वो दिमागी रूप से बीमार हैं, यानी कि साइको हैं। और इस वजह से उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आजकल अभिषेक मल्हान को खूब हेट मिल रहा है और जिसे अब विनय अंकल की इस बात को अभिषेक की उन हेटर से जोड़कर देखा जा रहा है। आजकल हेटर्स बिना वजह किसी को कुछ भी बोलते रहते हैं जबकि वो उसकी सच्चाई नहीं जानते हैं। अभिषेक को भी कई बार हेटर्स का सामना करना पड़ता है पर वो ज़्यादा उन हेटर्स पर ध्यान नहीं देते और कभी अभिषेक को हेटर्स के लिए कुछ बोलते देखा नहीं गया है। पर जिस तरीके से अभिषेक के पिता ने इन हेटर्स की क्लास लगाई है उससे इतना तो तय है कि अभिषेक के घर वालों को इससे फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि अभिषेक मल्हान अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाल ही में उनका एक नया गाना बिग लाइफ भी आया था जिसे खूब पसंद किया गया और ट्रेंडिंग पर भी था। वहीं अभिषेक ने अपना एक तेलुगु चैनल भी लॉन्च किया है। अभिषेक मल्हान को हाल ही में हैदराबाद में मीटअप पे देखा गया था जहां फैंस की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। अभिषेक को देखते ही फैंस अभिषेक मल्हान के लिए नारे लगाते नजर आए थे। वहीं अभिषेक और मनीषा की बॉन्डिंग को भी फैंस बेहद पसंद करते हैं और अभिषा भी बोलते फैंस नजर आए थे। आपको बता दें कि जल्द ही अभिषेक और मनीषा का भी गाना आने वाला है जिसे लेकर ये दोनों बेहद एक्साइटेड हैं। अभिषेक ने अपने फैंस को ये गुड न्यूज़ दी है कि जल्द ही वो मनीषा के साथ किसी एवरग्रीन सॉन्ग में काम करने वाले हैं। सॉन्ग भी उन्होंने तैयार कर लिया है और बस जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। बिल कैसे लगते हैं आपको अभिषेक मल्हान, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।